कोणार्क अपना शहर अपनी बातें। वाल्दुनी नदी में केमिकल छोड़े जाने वाली घटना कभी पुरानी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ हर रोज नदी को प्रदूषण करने वाले विषैली रसायन छोड़े जाते हैं। आइए जानते हैं लोगों से क्या है उनका कहना। उल्लासनगर में बीच रात फैली जहरीली गैस। उल्लासनगर शहर के वाल्दुनी नदी में अज्ञात लोगों द्वारा छोड़े गए रसायन के कारण जहरीली गैस बनकर पूरे शहर में फैल गई। उसी रात नदी किनारे रहने वाले लोगों को सांस लेने में तकलीफ, आंखों में जलन, उल्टियां होने लग गई। महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अधिकारी, कर्मचारी, पुलिस, अग्निशमन दल घटनास्थल पर पहुंचे, पर अभी तक यह पता नहीं लग पाया है कि यह विषारी रसायन किसी कंपनी ने छोड़ा था या किसी टैंकर ने नदी पात्र में छोड़ा था। वाल्दुनी नदी किनारे वडोल गांव में से बाकी शहरों से या पर राज्य से आने वाले टैंकर नदी पात्र में विषैले रसायन छोड़ देते हैं। इस पर पुलिस ने कार्रवाई करने के बाद भी परिस्थिति में सुधार नहीं आया है। उल्लासनगर में 500 जींस कारखाने बंद कर देने के बाद भी वाल्दुनी नदी में प्रदूषण कम नहीं हुआ है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों ने इस परिसर का दौरा किया है और संबंधित लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए है। तकलीफ कब से? आज सुबह से। पहले कभी तकलीफ आया ऐसा नहीं आया है? क्या क्या तकलीफ हो रहा है? खांसी आ रहा है, आज से पहले कभी हुआ क्या ऐसा? पहले कभी नहीं हुआ, पहली बार हुआ है? पहली बार, ऐसा कभी नहीं हुआ। आपको प्रशासन से क्या कहना है? यही कहना है, ये काय का भाई पास आ रहा है, ये काय का पानी छोड़ा है तुम लोग ने। गरीब लोग मर जा रहे हैं, ऐसे भी पहले से गरीब लोग कोरोना कोरोना से मरते मरते बचे, अभी ये बास से मर रहे हैं। इधर कोई देखने भी नहीं आता है, हम लोग कोई देखने भी नहीं आता है, कुछ नहीं वाला नहीं आया। ये वार्ड किसका है? जिस प्रकार से हाल ही में जो कि फिर से ये देखने को मिला कि केमिकल छोड़ा गया था नदियों में, जिसके वजह से कैंप क्रमांक 5 में लोगों को जो है सांस लेने की दिक्कतें हुई, इसके पहले भी कई बार इस तरीके की घटनाएं 3 नंबर ओटी परिसर, स्टेशन के आसपास के परिसर, शहर के कई जगहों पर हो चुकी है, लेकिन पर्यावरण विभाग द्वारा किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं होती। इस बार भी जब वो दौरे के लिए आए तो उन्होंने ये कहा कि हमें ढूंढ के दिखाइए, ढूंढ के बताइए ताकि हम इस पर कार्रवाई कर पाए। तो इस तरीके से लगातार जो है एक और केमिकल जो कि माफिया कहेंगे उसे, वो सक्रिय है। वहीं पे पर्यावरण विभाग कहता है कि आप जो है इसमें प्रतिक्रिया आपने दिखाई, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि इस बार जो है आपके परिसर में इस तरीके की घटना घटी थी? नहीं, अभी हाल ही में जो कल परसों में से जो प्रॉब्लम हुआ है उसमें खास करके इसके पहले हमेशा से वडोल गाँव के आगे के एरिया में प्रॉब्लम चल रहा था और वहाँ पे लोगों की सतर्कता के बाद में, और पिछले एक साल पहले कुछ लोगों को उसमें टैंकर पकड़ा गया था, गुनाह दाखिल हुआ, कुछ कंपनी पे कार्रवाई हुई, तो उसके बाद हमारे यानी इस परिसर में, इस पट्टे के परिसर में पहली बार ये तकलीफ हुई और इसके वजह से हम लोग परसों रात भर सारे प्रशासन के सारी यंत्रणा को इस बारे में माहिती दी, फिर उन लोग स्पॉट पे आए और कल उनके मंत्रालय से जो ऑफिसर्स आए थे वो भी थे, हम लोग स्पॉट पे सोर्स ढूंढने गए थे। अभी आपका जो प्रश्न है कि इन लोग ने क्या कार्रवाई करनी चाहिए या जैसा उन्होंने हमको बोला कि आप लोग इसमें मदद करो, तो हम लोग बोले ठीक है, हम हमारी पक्ष की तरफ से और हमारे जितने संगठन रहेंगे वो सभी लोगों तरफ से जरूर प्रशासन को इसमें मदद करेंगे, लेकिन प्रशासन जो सोने का नाटक कर रही है वो भी तो गलत है, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि इतनी बड़ी केमिकल लॉबी, इतना बड़ा टैंकर माफिया, कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, कितने बड़े पैमाने पे उल्लासनगर में क्या क्या चल रहा है ये तो मालूम है, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है? तो ठीक है, अगर प्रशासन बोलती है तो हम उनको अभी ढूंढ के देंगे कहाँ कौन सी प्लास्टिक की अभी भी कंपनी चल रही है, पॉलीथिन के फैक्ट्रीज कहाँ चल रहे हैं, कौन से इंडस्ट्रीज विदाउट MPCB के परमिशन के काम कर रहे हैं, कौन सी टैंकर माफिया कहाँ पे कैसे केमिकल छोड़ रहे हैं, अभी हम हमारे पक्ष की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभी ये अब हम लोग ढूंढेंगे और फिर देखेंगे कि जो ये बोल रहे हैं कि हम कार्रवाई करते हैं, क्या करते हैं, कहाँ तक कार्रवाई करेंगे देखेंगे। तो अभी प्रशासन को मैं यही बोलूंगा कि आप लोग से विनंती है, ये मुद्दा दुनिया में उल्लासनगर पूरा बदनाम है सब अनधिकृत कामों के लिए,
उसमें ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये लोगों के जिंदगी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। कृपया करके इस मुद्दे में कम से कम हल, मतलब क्या बोलते हैं कि ये नहीं करे, हलगर्जीपना नहीं करे उसमें, इस मुद्दे पे सीरियसली ले। कल इतनी लोगों को तकलीफ है, किसी की जान गई तो बाद में आप गुनाह दाखिल करेंगे क्या? तो इसके लिए हम तो इसके ऊपर अभी पूरी तरह से उल्लासनगर में जितने पोल्यूशन कंट्रोल आपके माध्यम से बोलता हूँ, जो जो पोल्यूशन के गलत काम कर रहे हैं सबके पीछे हम पूरी तरह लगेंगे और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। और हाँ, अगर इसमें कोई प्रशासन या पुलिस या कोई भी उसमें साथ में रहेंगे तो हमें मुद्दा मंत्रालय मुंबई मिनिस्ट्री लेवल तक जाके उनका भी बढ़तर भी कैसा होगा ये भी हम लोग ध्यान देंगे। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें।